को हम लोगों ने वहां पे नियंत्रण करने के साथ आगे बढ़े। हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उसकी स्ट्रेंथनिंग की है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ाया है, उसमें बेहतरीन प्रयास हुए हैं, लेकिन उसमें और अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हर अच्छे कार्यालय और अच्छा किया जा सकता है, लेकिन जहां पहले नहीं होता था, हम तो परिणाम दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। हम कुछ भी घोषणाएं करें, अगर रिजल्ट जीरो है, इसका मतलब हमारा प्रयास बेकार है। लेकिन अगर हमने प्रयास प्रारंभ किया, हमने प्रयास करने के बाद रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रयास सार्थक है, और हमने जो किया है वो सार्थक परिणाम दिया है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और रिजल्ट ओरिएंटेड इस बात को मैं यहां पे सदन में रख रहा हूं, एनसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए हमने कार्य किया, कोरोना प्रबंधन का मॉडल हम लोगों ने देश के सामने प्रस्तुत किया, इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी आबादी में हम उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को बचाने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर इस फील्ड में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरह हम बढ़ सके, सच्चाई क्या थे आजादी के पहले से लेकर के केजीएमयू 1915 में स्थापित हुआ था, 1516 में स्थापित हुआ था, बीएचयू 1915-16 में स्थापित, 16-17 में 1916 में स्थापित हुआ था, और उसके बाद क्रमिक रूप से अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस बने थे। 60 के दशक में 7 मेडिकल कॉलेजेस उस समय बने थे, 7 केवल क्रियाशील हुए थे। आज स्थिति क्या है, यानी कुल मिलाकर के हम आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक देखेंगे, 16-17 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेजेज 1947 से लेकर के 2017 तक स्थापित हुए थे, और आज मैं कह सकता हूं केवल हमारे अब 10 जनपद बचे हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज अभी बना नहीं है। उन 10 जनपदों में भी हम लोग एक नया मॉडल लेके आने जा रहे हैं, और उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कृतसंकल्पित हैं, क्योंकि अच्छा जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है और उसको सुविधा मिलनी ही चाहिए। सरकार इसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और इसको लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, तो जो हमने पीपीपी मोड पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं संभल और महाराजगंज शामली में, इस सत्र में उन्हें चलाने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने परमिशन भी दे दी है, और मुझे लगता है इन तीनों जनपदों से जुड़े हुए जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं जिनके प्रयास थे, उनको मैं इसके लिए बधाई भी दूंगा कि उनके प्रयास सार्थक ले रहे हैं। आज बच्चे वहां एडमिशन लेंगे, इस सत्र में एडमिशन लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेज हैं इनमें एमबीबीएस की सीट इस सत्र में जो काउंसिलिंग के लिए जानी जा रही है वह 10,500 एमबीबीएस यानी यूजी में 10,500 सीट पर एडमिशन अकेले उत्तर प्रदेश में होंगे। यह उत्तर प्रदेश है जिसमें हमने दुगने से ज्यादा सीटों पर एडमिशन उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7 वर्ष में करने में हमने सफलता प्राप्त की है। नर्सिंग क्षेत्र ऐसा है जो 100% उन्हें इस फील्ड में जॉब के साथ जोड़ देता है, और खासतौर पर बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर देता है। निजी नर्सिंग कॉलेजेस भी बने हैं, सरकार उनको हतोत्साहित नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम लोगों ने 23 नए मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस को भी हम स्थापित कर रहे हैं या कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर ऐसे ही हम लोगों ने 22,555 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का गठन हम लोगों ने किया है, और देश के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड 5,11,00,000 परिवारों को उपलब्ध कराने वाला, 5,11,00,000 परिवारों को उपलब्ध कराने वाला, यानी इतने कार्ड हम लोगों ने अब तक गोल्डन कार्ड वितरित कर दिए हैं। ये प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया है, और पीएससी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आरोग्य मेला हर रविवार को लगेगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित महिला और बाल विकास से जुड़ी हुई सभी प्रकार की स्कीम को वहां पे प्रदर्शन होगा, उसका मेला भी लगेगा। यह कार्रवाई सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों का इसके माध्यम से हम उपचार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए भी एक प्रमोट फार्मा नीति को भी हम लोग यहां पर बना चुके हैं, और प्रदेश का पहला फार्मा पार्क
हम लोग ललितपुर में बनाने जा रहे हैं, इस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क हमारा यमुना अथॉरिटी में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके भी सार्थक परिणाम बहुत शीघ्र प्रदेश की जनता के सामने आएंगे। महोदय, नगर विकास के लिए भी प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। हमने 100 से अधिक नए नगर निकायों का गठन किया। हम लोग जब आए थे तब प्रदेश के अंदर 14 नगर निगम थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 14 थे, आज 17 हैं। 3 नए नगर निगम प्रदेश के अंदर नए गठित हुए हैं। 4 नगर पालिका परिषद का गठन हुआ। 122 नगर पंचायतों को यहां पर नए गठित किया गया और 124 नगरीय निकायों की सीमा विस्तार की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर इस दौरान सरकार ने किया है। प्रदेश ने इस दिशा में देश का यह पहला राज्य है जिसने 18 सिटी को सेफ सिटी के रूप में स्थापित किया है। इसमें सरकार का पैसा भी लगा है लेकिन जन सहभागिता भी ज्यादा है और इसके माध्यम से हमें इसके माध्यम से सफलता प्राप्त हुई है। हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में भी मांग होती है कि हमारे यहाँ सिवर लाइन नहीं है या पेयजल की व्यवस्था नहीं है, इस बजट में 600 करोड़ रुपए इसके लिए भी नगरीय क्षेत्रों में जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी डिमांड के अनुसार हम ये व्यवस्था दे सकेंगे। इसके अलावा एस्पिरेशनल नगर निकाय, ऐसी 100 नगर निकाय को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध, क्योंकि ग्राम गांव से सीधे ग्राम पंचायत से नगर निकाय बना है तो नगरीय व्यवस्था उसको उपलब्ध हो सके, इसके लिए अतिरिक्त फंड और अतिरिक्त उसको प्रोत्साहन दिया जा सके, इसके लिए यह कार्रवाई को भी यहां पर प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश ने डिजिटल लेन देन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैंने पहले भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन में देश में नंबर एक पर है और इसमें हम लोगों ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर जनधन अकाउंट के 9 करोड़ खाते खोले गए हैं जिनमें आधे यानी 50% खाते महिलाओं के हैं, ये सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश के अंदर जो बैंक का पहले व्यवसाय था 16-17 में यह केवल 12 लाख करोड़ के आसपास था, आज बढ़कर के 26 लाख करोड़ हुआ है। ये चीजें दिखती है कि बेहतरीन दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर बैंकों की स्थिति, चाहे वह राष्ट्रीयकृत बैंक हो या फिर ग्रामीण बैंक हो, इन सब की शाखाओं का विस्तार करते हुए आज 19,705 शाखाएं चल रही हैं। वीसी सखी का एक नया मॉडल देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने दिया है और साथ साथ बैंक मित्र बैंकों के माध्यम से भी जोड़ने की कार्रवाई के माध्यम से भी हम लोगों ने इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। और देश के अंदर फंड आकर्षित करने में भी उत्तर प्रदेश, रिजर्व बैंक का जो आंकलन है, रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश देश के अंदर फंड आकर्षित करने वाला देश का पहला टॉप का राज्य है जिसने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। आयकर रिटर्न, जब हम लोग आए थे तब स्वाभाविक रूप से जैसी स्थिति प्रदेश की थी तो वैसे ही परिणाम भी आता। आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या प्रदेश के अंदर बहुत कम थी, यानी अगर हम देखें तो यह संख्या मात्र लगभग 2.25 लाख के आसपास थी, 1,65,000 के आसपास 2014-15 में यह संख्या थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह संख्या लगभग 2 लाख है, 12 लाख की संख्या पहुंच चुके, 2 लाख से बढ़कर के आज यह 12 लाख पहुंच चुके। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और यह उसका एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रदेश के अंदर जो मैंने कहा कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर, जो नेशनल देश की जो विकास दर है वह 7 और 8 के बीच में है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो एक कांस्टेंट प्राइस में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 10 के आसपास उत्तर प्रदेश की है और अगर करंट प्राइस में हम देखेंगे तो 14 और 15 के बीच में उत्तर प्रदेश की देखने को मिलती है। दिखती है कि हम नेशनल एवरेज से भी बेहतर स्थिति में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी के दर के बारे में भी आपने चर्चा की, स्वाभाविक रूप से युवा की आकांक्षा के अनुरूप नौकरी मिल सके, मेरे पास बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो इस बारे में बताते हैं कि वास्तव में अगर पिछली सरकारों के डाटा को आप देखेंगे
मैं आपको कुछ यहां पे उपलब्ध भी कराता हूं, और मुझे लगता है कि आप लोग एक बार जरूर इन चीजों पर ध्यान देंगे कि ये डाटा वास्तव में चौंकाने वाले होंगे और आप लोगों के ध्यान का आकर्षण कभी माध्यम में बनना चाहिए। आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए और मान्य सदस्यों की भी जानकारी में सब चीजें होनी चाहिए। जो चीजें सामने आई हैं, अगर आप देखेंगे कि यहां कुछ चर्चाएं बार बार होती हैं, 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल चयन हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी को जो सीट मिली थी वो मात्र 26.38% मिली थी, और एससी की सीट थी वह 21.34% थी, और 17 से अब तक कुल चयन हुए हैं। देखिए, इनके समय में हुआ था 26,394, सभी मान्य सदस्य नोट कर लेंगे, अथवा ये आंकड़े हैं, लोक सेवा आयोग के आंकड़े हैं ये, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। और ओबीसी को कुल सीट मिली थी इसमें 26.38%, ओबीसी को कुल सीट मिली थी 6,964, और 17 से अब तक जो कुल भर्तियां हुई हैं, ये लोक सेवा आयोग के बता रहा हूं अभी एक का, वह है 46,675, जिसमें ओबीसी को मिली है कुल सीट 38.41%, यानी 26.38 की बजाय उन्हें सीट मिली है 38.41%। और ईडब्ल्यूएस के लोग जो छात्र थे उनको मिला है 3.74%, और हमने कुल यहां भी भर्ती की है वह की है 46,675। अब तक हम सफलतापूर्वक यहां पे भर्ती कर चुके हैं, एक भी भर्ती पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। यह उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया है। 6,00,000 भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, 6.5 लाख से अधिक भर्तियों में अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नियमों का यहां पे पालन करते हुए इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और अगर मैं आपके सामने रखता हूं कि जो विवादित भर्तियां रही हैं 2012 से लेकर के 17 के बीच में, अवर अभियंता भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, प्रावधिक सहायक भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग की भर्ती, यानी ये सभी भर्तियां रही हैं जो सभी विवादित रही हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था, और उस समय के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उनको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरा मेरे पास इसका एक वो भी है, पूरा एक, अगर आप देखेंगे कि पूरा एक जो है चिट्ठा है, अगर ये चिट्ठा पढ़ना चाहेंगे तो आपको उपलब्ध भी हो जाएगा, और मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत समय व्यर्थ व्यतीत करने की बजाय हम लोग इन चीजों को थोड़ा देखें एक बार कि कैसे लोग गुमराह करने का काम करते थे और कैसे उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते थे। मुझे लगता है इसमें से सभी मान्य सदस्य इस बात को साक्षी रहे, जो समय यहां इस सदन के मान्य सदस्य रहे होंगे, आप तो उस समय स्पीकर ही थे, इसी सदन में गूंजा था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप जिलाधिकारी के पद के लिए चयन हुए थे, 86 में से 56 एक जाति विशेष के भर दिए गए थे। जो हाई स्कूल थर्ड डिवीजन, इंटरमीडिएट थर्ड डिवीजन, बीए थर्ड डिवीजन, वह एसडीएम की भर्ती में टॉप कर रहा है, क्या यह संभव है क्या? ये तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है, सीबीआई की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा, और जांच हो रही है, ये जांच हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन ये तथ्यों को आप विस्मृत नहीं कर सकते। हाँ, परिचय कह रहे ना, उसमें उसी पर तो मार रहे, ये चीजें इस रूप में उस समय होती थी,
और युवा उस समय किस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा हो या उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का रहा हो, आज मैं कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सहयोगी यहां पर हैं, बागपत के हमारे विधायक गण होंगे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई थी और खासतौर पर 12 से 17 के बीच में, एक भी भर्ती में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए नौजवानों को मौका ही नहीं मिलता था। आज आप जाइए बागपत हो या मुजफ्फरनगर, यहां के नौजवानों एक एक गांव में 25-25, 30-30 बच्चे एक एक गांव में भर्ती हुए हैं। और फिर हम इस बारे में कह सकते हैं कि हमारी सरकार है जिस सरकार ने पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कल ही इस सदन ने, माननीय सदन ने, पेपर लीक के मामलों को लेकर के एक सख्त कानून बनाया है जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी के साथ ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने और संस्था को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया है। और इस दिशा में सरकार के कदम बताते हैं कि सरकार युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी, यह सरकार का संकल्प है। और बहुत शीघ्र इसी महीने 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 को 60,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की रिटर्न परीक्षा हम लोग कराने जा रहे हैं। 10 फेज में 10 चरणों में होने जा रही है और आप देखेंगे पारदर्शी तरीके के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एकमुश्त भर्ती होने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे ही अन्य आयोगों में भी, वह किसी भी उसमें हो, शिक्षा आयोग के माध्यम से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और मिशन रोजगार के अंतर्गत मैं तो स्वयं सभी मान्य जनप्रतिनिधियों से कहता हूं जिले के अंदर उन नौजवानों के साथ बैठे, मैं लखनऊ में या किसी भी जिले से उसके साथ जुड़ जाऊंगा और एक साथ नियुक्ति पत्र हम लोग वितरित करते हैं उन नौजवानों को जो अपने हाथों से अपना नियुक्ति पत्र लेता है। और वह उत्तर प्रदेश के अंदर हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारा नौजवान है, हम उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महोदय, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश ने इस दिशा में जो अन्य तमाम प्रयास किए हैं, प्रदेश के अंदर इज ऑफ लिविंग को लेकर के हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ किए हैं, पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए हैं, आज इसका परिणाम है कि 6 करोड़ की जनता प्रदेश के अंदर बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक खुशहाल जीवन की तरफ अग्रसर हुई है। इसके लिए हम लोगों को 56 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवानी पड़ी और मुझे प्रसन्नता है वो किसी भी को मकान मिले होंगे लेकिन प्रदेश के नागरिक को मिले हैं। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने सेक सूची तब बनी थी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसी सूची का पालन करते हुए हम लोगों ने सिचुएशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े और 56 लाख इन परिवारों को अब तक एक एक आवास उपलब्ध कराने में हमने मदद की है। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में लगभग 1 करोड़ परिवारों को 1,000 रुपए महीने हम पेंशन की तो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है। प्रदेश के अंदर 1,75,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए, किसी का चेहरा देख करके नहीं दिया गया, योजना सबको, सहयोग सबको, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य किया गया। 2,62,00,000 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,866 गांवों में हम लोगों ने ड्रोन सर्वे करके घरौनी वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है जिसमें अब तक 75,78,000 से अधिक घरौनी तैयार है जिसमें से 66,69,000 परिवारों को घरौनी वितरित कर चुके हैं। गांव में जिस व्यक्ति का, जिस गरीब का जहां घर है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार उसको प्राप्त होगा, इस योजना के अंतर्गत इसको दिया जा चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक हर परिवार को हम इससे आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और जो महत्वपूर्ण योजना आज जो मैं यहां पर बोल रहा हूं वह है फैमिली आईडी। ये फैमिली आईडी
100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लोग इस दिशा में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन गांवों में आज भी गरीब योजनाओं से वंचित रहता है, उसमें सिख सूची में उसके साथ अन्याय किया गया, क्योंकि उस बेचारे के पास वहां अपनी वॉइस नहीं है, वंचित है, उसकी कोई वॉइस नहीं है, उसकी जाति कम है, जो दबंग है उसी का मोहरा बनकर के रह जाता है। हम एक सर्वे करवा करके इन परिवारों को बेहतरीन जीवन जीने के लिए फैमिली आईडी के साथ जोड़ने जा रहे हैं, और हर परिवार के एक व्यक्ति को फिर रोजगार के साथ उसी योजना के माध्यम से हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। यह कार्य भी प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। एससीआर स्कीम के अंतर्गत भी हम लोगों ने कल यहां पर स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की है। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर एक संतुलित समावेशी और स्थायी शहरी नियोजन के लिए हम लोगों ने लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इज ऑफ लिविंग बेहतरीन हो, लोगों को बेहतरीन सुविधाएं यहां प्राप्त हो सके, इसके लिए एक नियोजित और संतुलित विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए इस कार्य योजना को सरकार यहां पर लेकर आई है। और उस पर हम लोगों ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां पे सरकार ने इस दिशा में यहां पे उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं और उसको लेकर के हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के हम लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा। और मुझे जब यहां पांडे जी बोल रहे थे, वह कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, पांडे जी ये एनसीआरबी के ही डाटा है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं, आप एक बार आप मेरे जो मैं आंकड़े दे रहा हूं अब इस बार उसको नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा। देखिए 2024 के जो आंकड़े हैं 16 और 24 के बीच है, मेरे पास 22 के भी हैं, 23 के भी हैं, 24 के भी हैं, और सभी आंकड़ों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं 24 से अगर तुलना करूं तो डकैती के मामले में 46.47% की कमी आई है, लूट के मामले में 78.17% की कमी आई है, हत्या के मामले में 43.21% की कमी आई है, बलवा के मामले में 67.42% की कमी आई है, गृह निधन में 4.31% की कमी आई है, और फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 70% की कमी इस मामले में आई है। यह अपराध की स्थिति 2016 से 2024 में अगर तुलना करेंगे तो ये आंकड़े सामने आते हैं। महिला संबंधी अपराध के मामलों में अगर आप देखेंगे, दहेज मृत्यु दर में आप देखेंगे 17.43% की, बलात्कार के मामले में 25.30% की, सील भंग में 16.56% की, अपहरण के मामले में 0.17% की कमी यहां पर आई है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर अगर हम महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों के मामले में इसको आगे बढ़ाएंगे, नेशनल उसमें अगर हम देखेंगे तो महिलाओं के बारे में अगर आप देखेंगे तो नेशनल उसमें उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह महिलाओं के प्रतिकूल अपराध में 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जहां अन्य राज्यों में क्राइम ज्यादा हुए हैं, उन राज्यों में तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, ये सभी उत्तर प्रदेश से आगे रहे हैं जहां पर इस प्रकार के अपराध काफी ज्यादा बढ़े थे। उस समय के आंकड़ों के अनुसार मैं यहां पे ये आंकड़े यहां पर है। ऐसे बलात्कार के मामले में अगर आप देखेंगे तो प्रदेश के अंदर आप देखेंगे इस दौरान अगर आप उधर उस ओर देखेंगे तो इस दौरान छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, झारखंड में उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध घटित हुए थे। और उन अपराधों की उसको देखेंगे उत्तर प्रदेश का इसमें 24वां स्थान है। 24वां का मतलब 23 राज्य ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा ये अपराध घटित हुए थे और घटित हो रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर की स्थिति है। ऐसे ही सील भंग के मामले में उत्तर प्रदेश का 17वां स्थान है। इसका मतलब 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध इस मामले में घटित हुए हैं। इसी प्रकार से दहेज मृत्यु से जुड़े हुए मामलों में भी उत्तर प्रदेश का जो देश के अंदर स्थान है वह मैंने आपके सामने पहले ही इसके बारे में इन बातों को आपके सामने रखा है। और इसी प्रकार से अन्य मामलों में भी जो प्रदेश के अंदर कार्रवाई की गई है, इसमें
जो हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई की है कि इस प्रकार के गतिविधियों को रोकने के लिए। अगर आप देखेंगे शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 16 की तुलना में 24 में 4.5% हमने अधिक कार्रवाई की है। एनडीपीएस में 14.98% अधिक कार्रवाई की है। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 57.95% की अधिक कार्रवाई की है। गुंडा अधिनियम के अंदर 70.69% अधिक कार्रवाई की है और गैंगस्टर के अंतर्गत 15.81% की कार्रवाई यहां पर हम लोगों ने अधिक की है। और इस दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए उपयोग किए गए हैं वह आपके सामने है। कल अन्य मुद्दों के बारे में यहां मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद ने यहां पर कुछ बात कही थी और उन्होंने एक जायज प्रश्न किया था। आप लोग अपराध कहते हैं, जो आपने इस बारे में कहा भी कि जब मुख्यमंत्री जी खड़े होंगे तो फिर समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ेंगे। देखिए यह एक मामला आपके सामने मैं बता रहा हूं और जिसकी तरफ मेरे सहयोगी ने आपका ध्यान भी और इस सदन का ध्यान भी आकर्षित किया था, अयोध्या का मामला। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। यह घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013, 2013 में तो आप की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है, 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोर है और इस कोर को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, आप तो लोकतंत्र सेनानी हैं, मैं आपकी उम्र का सम्मान करता हूं, आपकी सहजता सरलता का भी सम्मान करता हूं और हमेशा आपको सम्मान भी देता रहा हूं, इसलिए भी क्योंकि इस माननीय सदन के देश के सबसे बड़े विधानसभा के स्पीकर के रूप में एक शानदार काम आपने किया, एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबे समय में संघर्षशील जीवन एक सामान्य परिवार से उभर करके आप आगे बढ़े और इसलिए कभी कभी सही बात बोलने की हिम्मत भी कर पाते हैं। लेकिन आपने लोकतंत्र सेना नहीं कहा अपने आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा।
लेकिन जिस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उसी के साथ आप मिलकर के क्या काम कर रहे हैं और क्या करते रहे, क्या करते रहे आप लोग? तो हमारे बजट पर, हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने उंगली उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। चार थक थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये तो कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। बोलता है उसको भी डांटता कह रहे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है फिर चौथा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही। उसने फेंक दिया उसको, चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1,00,000 का बॉन्ड, 1,00,000 का बॉन्ड कहां गया, कहां गया 1,00,000 का बॉन्ड, 1,00,000 का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चत के लिए तैयारी रखी, 27 में सपा चत, 1,00,000 बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब, 1,00,000 का बॉन्ड कहां गया। और मैं तो आप सबसे कहूंगा एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1,00,000 का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां, कौन खा गया, खाने वाले लोग कौन है 1,00,000 का। दूसरा संविधान का गला घोटने वाले लोग कौन थे, और कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो संविधान समाप्त कर देंगे। मोदी जी तो 10 वर्षों से हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, पंच तीर्थों का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जहां उन्होंने अपने उच्च शिक्षा अर्जित की थी इंग्लैंड की, उस मकान को खरीद करके अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और उसके लिए इंडिया हाउस के रूप में उसे स्थापित करके इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक इंग्लैंड में ही बनवाया और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, ये मोदी जी के कारण हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना सार्वजनिक जीवन दिल्ली के अंदर जिस मकान में रहकर किया था, उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म यानी दीक्षा जहां नागपुर में जिस स्थल पर ली थी उसे भव्य स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि मुंबई को भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का काम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने किया। मोदी जी को आप यहां पे मोदी जी के बारे में गलत सूचनाएं देते रहे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस आज जनता को गुमराह करने में सफल हो गई है, वही पंचतंत्र की कथा मुझे याद आ गई। आरक्षण समाप्त कर देंगे,
आरक्षण, मैंने तो आपके सामने एक झलक पैदा प्रस्तुत की। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों के, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27 फीसदी भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27 फीसदी भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27 फीसदी भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली। पिक एंड चूज होता था, क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है, आज तो हमने 5,500 लेखपालों की तैनाती की है। एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंदर बोल देना, पंडित जी आप उसके बाद बोल लेना। हाँ, अब बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा। लेकिन मैं अकेले बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं? कथा फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं, और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27 फीसदी नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC ST OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते, मैं कहता हूं ये 50 फीसदी नहीं, 60 फीसदी से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर, 60 फीसदी से अधिक नियुक्तियां हरेक स्तर पर हमने किए हैं। और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा, उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं, जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको खींचने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या कहते हैं आप लोग? बोलते हैं इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चलने वाली है। उसका समय पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। और इसीलिए हम लोग तो इस बात के पक्षधर हैं, और वह ये, मैं फिर भी आपसे कहो, आप लोगों से कहूंगा, आपसे नहीं, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, पूरे मैं दोनों पक्षों से कहूंगा कि पांडे जी जैसे लोगों को सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ी लगभग अपने ढलान की तरफ है, और मुझे लगता है उन्हें हर प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग जो भी योजना बनाते हैं, यह धरती पर पांव रख करके बनाते हैं, व्यावहारिक जगत का। मैं आपकी बात को इसलिए सुन रहा था, मैंने एक भी बार आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि आप जमीन पर रह करके सारी बातों को यहां व्यावहारिक स्तर पर बोलते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक पांव, जो अटल जी ने कहा था, एक पांव धरती पर रखकर ही 52 भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण धर करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलत फहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सके। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, यह सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी, प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज,
ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, और इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि ये कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने अपने बातों को यहां पर रखा, माननीय सदन में हमारे दलीय नेताओं ने अपनी बातों को यहां पर रखा, मैं उन सबके प्रति आभारी हूं, माननीय सदन का भी आभारी हूं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही हैं, हमने खन्ना जी को अधिकृत भी किया है इसके लिए कि भाई देखो खन्ना जी आप वित्त मंत्री हैं, और सदस्यों की बात को वित्तीय ढंग से थोड़ा सोच करके उसको आगे बढ़ा दीजिए, और मुझे लगता है कि होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें चिंता इस बात की होती है कि सदस्यों के बारे में परसेप्शन गलत न जाए बाहर, मुझे लगता है कि इस चीज की भी हमें चिंता होती है। सत्ता पक्ष के विधायक अपने प्रस्ताव समय पर देते हैं तो उन्हें त्वरित आर्थिक विकास से पैसा मिला, और मुझे लगता है विपक्ष के सदस्यों को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों को, इसकी फुर्सत नहीं होती कि विकास करा सकते, क्योंकि वहां पे क्षेत्र के विकास के बजाय स्वयं के विकास में ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए वो ज्यादा प्रस्ताव दे नहीं पाते। तो उसमें हमारे पास जो प्रस्ताव आते हैं, तो प्रस्तावों पर हम विचार करते हैं, ऐसा नहीं विचार न करते हैं, लेकिन एक साम्यता सांसद और विधायक के बीच में भी होना चाहिए। दूसरा, विधायकगण जहां पे जिन कार्यों के लिए करते हैं, देखिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम हो रहा है, निवेश का जो भी काम हो रहा है, यह कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में ही हो रहा है, किसी जनपद में ही हो रहा है, और उसके बेहतरीन परिणाम आने चाहिए। हमारे को प्रयास होना चाहिए कि होता है कि सभी 75 जनपदों में समान रूप से कार्य हो, जैसे बिजली सबको दे दी गई, आज कोई भेदभाव तो नहीं है। आपके जितने भी सिंचाई की योजनाएं आई, वो सभी जगह पहुंच रही है, सब जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि 86% भूमि हमारे पास सिंचित है, लेकिन इस दिशा में एक प्रयास, और सरकार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। इस सरकार के द्वारा जो भी प्रयास है, जो चीजें हमारे सामने आई है, उस दिशा में आगे बढ़ा रहे थे। एक कांग्रेस के हमारी सम्माननीय नेता ने जो बात कही थी जल जीवन मिशन के बारे में, कल भी उनका प्रश्न था और संभवतः वह उसका पूरा जवाब उनको नहीं मिल पाया होगा, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए, माननीय सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, जल जीवन मिशन में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी सड़कें उसमें खोदी गई हैं, इसका निर्माण करना संबंधित कॉन्ट्रेक्टर और कार्यदायी संस्था यानी उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की जिम्मेदारी है, यह उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, और मुझे लगता है कि लग करके इस कार्य को करवाना चाहिए। दूसरा, इस योजना को सस्टेनेबल बनाने के लिए कॉन्ट्रेक्टर और कार्यदायी संस्था 10 वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगी, यह उस प्रोजेक्ट का पार्ट है और उसको हम सुनिश्चित करवाएंगे। मैं आपको सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, तात्कालिक रूप से सड़कें खुदी होंगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी की जांच को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन यह योजना समय से आगे बढ़ेगी,
देश के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली योजनाओं में से योजना है, और मुझे लगता है कि इस योजना को समयबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ा करके प्रदेश की प्यास को बुझाएंगे ही, लेकिन साथ साथ इसको सस्टेनेबल भी बनाएंगे कि लंबे समय तक, 10 वर्ष तक तो मिनिमम है, लेकिन इसको हम एक लंबे समय तक, आप देखते होंगे पहले पाइपलाइन बिजती थी 25-30 वर्षों तक पाइपलाइन चलती थी, हम इसको उसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो शुद्ध पेयजल के भाव के कारण होती हैं। अगर हम एक बार इसको करने में सफल हो गए तो लोगों के जो बीमारी का खर्चा है इसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके साथ ही अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि अपने स्वास्थ्य की चिंता के बगैर आपने इस सदन को यहां पर चलाया है, और इस सदन को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का आपके पास रिकॉर्ड है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिशा में भी आपने जो काम सदन के लिए किए हैं अत्यंत अभिनंदनीय है। कल मैं देख रहा था असम की विधानसभा की पूरी टीम यहां पर आई थी यहां पर ई विधान को देखने के लिए, जो टैबलेट लगे हुए हैं कैसे हमारी कार्य पद्धति होती है। असम विधानसभा की पूरी टीम आई थी, मुझसे मिलने के लिए भी आई थी ई विधान भवन के कार्यालय में। जब हम अच्छा काम करते हैं तो अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करते हैं, और तमाम राज्यों की टीम आ रही है। मैं राजस्थान की टीम को भी देख रहा था, मध्य प्रदेश की टीम को भी देख रहा था, अन्य राज्यों की टीम को भी देख रहा था। तो समय पे कदम उठाए जाएंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। मैं आपका आभारी हूं, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो इसकी कामना भी करता हूं। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अपने सभी दलीय नेताओं को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी माननीय सदस्यों से मैं इस बारे में आश्वस्त करूंगा, आपकी जो भावनाएं हैं खन्ना जी उसको देखेंगे और उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री, ये आप यहाँ जो सरकारी सुरक्षा में लगे हैं उनका जो वेतनमान, उनका जो अनुबंध हुआ है वो अलग है, और जो अलग जिनको आपने दिया है उनका उसे कम कर दिया। पहले वाजपेयी उनके कल्याण सिंह के जमाने में, राजनाथ सिंह के जमाने में सबके बराबर भत्ता मिलता था जो आपके सुरक्षाकर्मी को मिलता है, अब वो नहीं हो रहा, इसको जरा आप दिखवा लें। और आप कई बार हमारे पार्टी के लोगों का हत्या का जिक्र किए, ये बहरिया प्रयागराज में 2 दिन पहले हत्या हुई है, उसमें